टाइम से तो यार काफी टाइम से मेरे दोस्तों का बड़ा ही सवाल आ रहा था कि यार आप स्क्वेयर वन पर कब वीडियो बनाओगे। तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं स्क्वेयर वन की अनबॉक्सिंग। सो हाय गाइस, कपिल भटिया, टुडे आई एम गोना अनबॉक्स स्क्वेयर वन क्यूब। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैसा ये क्यूब है। और मैं भी पहली बार यूज कर रहा हूँ तो मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। ओके, तो इसे यहाँ से कट कर लेते हैं और इसे बाहर निकालते हैं। चलिए, तो मेरे हिसाब से इतना काफी है। ओके, इसके अंदर ये हमारा इनवॉइस है। इनवॉइस को तो रखते हैं साइड में और डायरेक्ट इन्होंने ज्यादा कुछ पैकिंग वेकिंग नहीं की है और डायरेक्ट क्यूब को रख दिया है इसके अंदर और सीधे दे दिया है हमें। तो भाई ये हमारा इमोव स्क्वायर वन क्यूब। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर से कैसा ये लुक देता है हमें और कैसी इसकी स्पीड रहेगी। तो फर्स्ट लुक इसका कुछ इस तरह का है कि आपको देख रहे हैं ब्लू स्टिकर ऑन द टॉप साइड। अब मैं इसे बाहर निकालने जा रहा हूँ और देखते हैं ये किस तरह का दिखने वाला है। और वेल, ये पता नहीं इन्होंने इसे, वैसे तो शायद इसको बीच में से देखना चाहूंगा, ल्यूब हाँ किया है पर बहुत ही कम किया है, ज्यादा कुछ खास ल्यूब नहीं है, बाकी तो ये प्लास्टिक का है। ओके, तो भाई पहली बात तो मैंने भी कम यूज किया है और जैसे कि आप इसके रेक्टेंगल ब्लॉक्स देख रहे हैं तो इसका मतलब ये डायरेक्ट ऐसा, तो ये कुछ अपना देख रहे हैं इंक्लाइंट वे में रोटेट हो रहा है। और तो ये तो फिर 3x3 क्यूब की तरह ही हो, मतलब अपर साइड और बॉटम साइड घूम रहा है। इसका फ्रंट तो इसका घूमने से रहा क्योंकि आप देख रहे हैं फ्रंट नहीं घूम सकता। यहाँ पर अगर आपको इसको रोटेट करना है तो इंक्लाइंट वे में यहाँ से इस तरह कुछ होगा और फ्रंट को देखता हूँ मैं इधर से रोटेट होता है कि नहीं। वैसे तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ब्लॉक जो है पूरा कनेक्टेड है, सिमिलर एज यहाँ पर भी एक ब्लॉक है जो पूरा कनेक्टेड है, जो सिर्फ आपको इस तरह ही कुछ रोटेट करने देगा और इस तरह से कुछ करने देगा। तो ओके, अब आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने इसको स्क्रैम्बल करना शुरू किया है तो उसने अपनी साइज पोजीशन चेंज कर ली है। और सबसे कमाल की बात यह है इसे रोटेट करना थोड़ा सा मेरे को मुश्किल पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर वही अगेन ये ब्लॉक जो है ये कंबाइन है, मतलब जो हमारा सेंटर और एज रहता है, जैसे कि 3x3 क्यूब में अपना जो सेंटर और एज रहता है वो ज्वाइंट है हमारे स्क्वेयर वन क्यूब में। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट हो सकता है, मगर 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 मैं इसके लिए प्रॉपर वीडियो लाऊंगा। और ये मैंने इवॉल्व का ऑर्डर किया था, इसकी प्राइस समथिंग कुछ 250 समथिंग कुछ है। बाकी यार हाँ, अब ये फ्लेक्सिबल तो है क्योंकि आप मुझे पकड़ने पर ऐसा फील हो रहा है कि ये फ्लेक्सिबल तो है। पीसेस अभी थोड़े से प्लास्टिक कर हैं तो कुछ कह नहीं सकते कि लॉन्ग टाइम रहेंगे, लॉन्ग मतलब रफ हैं अभी। वैसे तो शायद तक रफली आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो यार पहले तो मैं इसे रोटेट करके देखना चाहूंगा कि रोटेट कैसे होगा। ओके, आप शायद ये रोटेट हो जाए, अभी भी नहीं हो रहा, अभी देखते हैं। हाँ अभी हो गया। ओके, तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर शायद ये हमारे कॉर्नर या एज का काम करेंगे इन्हें रोटेट करने के लिए। तो खैर इसका पूरा अपन पूरा पूरा इसको सीखेंगे और फिर इसके लिए आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और इजी सा वीडियो लाएंगे क्योंकि मैं देखकर थोड़ा सा फील तो हो रहा है कि थोड़ा टफ हो सकता है, मगर 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 इसका एक ईजी वीडियो बनाने में मैं भी एक्सपर्ट हूँ। तो मैं इसके लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा वीडियो लाऊंगा। वह फिलहाल मेरा ये रिव्यू है कि हाँ ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, आप देख रहे हैं रोटेशन के टाइम पर आप मेरे जैसे इसका अपना अपर लेयर और टॉप लेयर और बॉटम लेयर को घुमाया है और साथ में राइट लेयर और लेफ्ट लेयर को भी रोटेट करने की, जैसे कि राइट लेयर है और दिस इज द लेफ्ट लेयर, तो इनको मैं रोटेट करने की कोशिश की है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ ये बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबल है और साथ साथ स्मूथ रोटेशन हो रहा है, मगर लॉन्ग लाइफ का नहीं कह सकता क्योंकि यार 250 की प्राइस में अभी तक मैंने स्क्वायर वन पहले कभी यूज नहीं किया, तो ये लॉन्ग लाइफ होगा कि नहीं। और साथ ही साथ मुझे डर भी है कि शायद इसका प्लास्टिक टूट ना जाए क्योंकि ये शेप चेंज कर रहा है तो शायद इसका प्लास्टिक टूट भी सकता है, मगर मैं श्योर नहीं हूं। मैं इसका पहले पूरा रिव्यू करूंगा। तो ये स्मूथ है मगर फिर भी मैं इसका लगभग लगभग 1 मंथ का रिव्यू करूंगा और थोड़ा सा अपना देखूंगा कि यार ये किस तरह से वर्क करने वाला है। देखिए ये साथ है, इस पर रोटेशन जो है वो कुछ नहीं है, राइट का है, लेफ्ट का है, अपर का है और बॉटम का है। तो मेरे हिसाब से यहाँ फ्रंट घुमाना तो पॉसिबल है नहीं। हाँ देखिए फ्रंट घुमाना पॉसिबल नहीं है, तो इससे ज़्यादा घुमाना रोटेट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। खैर कोई नहीं, मगर मेरे कहने का मेरा फर्स्ट लुक इस पर यही है, मेरा पहला रिव्यू यही है कि हाँ 250 के प्राइस में एक बढ़िया सा क्यूब है, आप चाहे तो इसे एक बार परचेस कर सकते हैं। मैंने इसे अमेजोन से ऑर्डर किया है, इसका प्राइस है 250। मैं लिंक से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एफिलिएट लिंक होगी, आप चाहे तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, प्लीज कीजिएगा। और बाकी तो मुझे इस क्यूब में ऐसा कुछ अभी तक बुरा नहीं लगा है, मगर हाँ क्योंकि ये प्लास्टिक का है तो पता नहीं लॉन्ग लाइफ चलेगा कि नहीं। बस इतना समझ लीजिए कि जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लाऊं और ये सामने ये इस तरह रखा हुआ रहे तो
समझ लीजिएगा कि हाँ ये लॉन्ग लाइफ है। तो यही था ऑल इन ऑल दोस्तों कि ये इस प्राइस में ये बहुत ही बढ़िया क्यूब है। स्टिकर्स जरूर इसके थोड़े आप देख रहे हैं कि स्टिकर्स को जब टच करेंगे अपने फिंगर्स को, जब स्टिकर टच करें तो स्टिकर जो है जल्दी से खराब होने वाले मुझे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जो है स्टिकर लॉन्ग लाइफ नहीं है, वो जल्दी खराब हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसको तो हम करेंगे एक अच्छा सा रिव्यू और इसका देखेंगे कैसे इसे सॉल्व करते हैं। अभी तो इसके ऊपर मुझे बहुत सारा वर्क करना है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा इसके रिव्यू की और आपको बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने एक और क्यूब ऑर्डर किया है, वो अभी तक आया नहीं है, तो जल्द ही उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा, उसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और आप लोग बताऊंगा कैसा है। तो मेरा इसका फर्स्ट रिव्यू है कि आप इसे वन टाइम परचेस कर सकते हैं, और अभी के लिए मेरा ये रिव्यू है, हो सकता है भविष्य में बदल जाए, शायद मुझे ज्यादा पसंद आ जाए ये, जब मैं इसे अच्छे से इस पे वर्क करूंगा तो शायद मुझे पसंद भी आ जाए, तो ये थोड़ा लॉन्ग टाइम भी हो सकता है, और बिल्कुल भी पसंद ना आए तो मैं आपको सीधे सीधे कह दूंगा कि मत लो। पर अभी मेरा ये है कि हाँ जितना मैंने अभी तक इसे यूज करा है वैसे मेरे हिसाब से ये चल जाएगा, तकरीबन 6 मंथ तक तो चलना ही चाहिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और अगर आपको मेरा वीडियो नहीं पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और क्या चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को। और हाँ आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और अब तो मैं टिकटॉक पर भी आ गया हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।